दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई नवविवाहिता अपनी बेटी पर हुए जुर्म पर दुर्ग मरचुरी पहुंची। पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं दुर्ग पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दहेज की मांग को लेकर एक और नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर डाली। मामला दुर्ग शहर के आदित्य नगर का है, जहां अर्पिता राजपूत का विवाह सौरभ राजपूत के साथ महज 11 महीने पहले ही हुआ था। अपनी बेटी के साथ हुई घटना पर दुर्ग मरचुरी पहुंचे मृतका के पिता आर के सिंह का कहना है कि उनकी बेटी अर्पिता को शादी के कुछ महीने बाद से ही दहेज के लिए लेकर काफी प्रताड़ित किया जाता रहा था। इस बात की सूचना अर्पिता ने कई बार अपने परिवार वालों को दी भी थी, लेकिन जब ससुराल वाले अर्पिता को दहेज की मांग पर बार बार प्रताड़ित करने लगे तो अर्पिता ने गुरुवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या ही कर ली। अर्पिता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों की जानकारी के अनुसार मृतका अर्पिता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के भतीजे की साली है। बहरहाल दुर्ग पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक ससुराल पक्ष से कोई भी मरचुरी नहीं पहुंचा था। इस मामले में दुर्ग मोहन नगर थाना प्रभारी और मृतका के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, मेरे लड़की अर्पिता राजपूत नुआपड़ा उड़ीसा से दुर्ग जवाहर नगर शादी होकर आई थी और ये लोग 3-4 महीने से पैसे के लिए तंग कर रहे थे उसको, और मैं बोला भी था कि कुछ ही दिन रुक जाओ, सब आपका क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये कल पता चला कि उसको मर्डर कर दिए। ये साल भर भी कंप्लीट नहीं हुआ था शादी को, यहीं महिंद्रा रिजॉर्ट्स में शादी हुआ था दुर्ग में। बोली थी मेरे को टॉर्चर करते हैं और मेरे सारे सोने को गिरवी रख दिए हैं। बोला टेंशन मत लो, सब सोना भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं सब सेट कर दूंगा। उनके ससुराल वाले तो रात से ही फरार चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग मार दिए और फांसी हुआ है बोल के बता रहे हैं। इसलिए अभी जब पुलिस को देख के वो लोग सब फरार हो गए, घर में ताला बंद कर दिए हैं और फरार हैं। घटना की जानकारी कल रात को हमको वही 11:30 बजे हमको पता चला, और उसके बाद फिर हम वहाँ से दुर्ग के लिए रवाना हो गए। देखिए, ये एक आज सुबह हमें दुर्ग से मतलब सूचना मिली, एक नवविवाहिता ने सुसाइड कर लिया है। शादी को इनके 1 साल हुआ था और उसमें क्योंकि इनको लाया गया दुर्ग हॉस्पिटल में, वहाँ पे जिन्हें ब्रॉड डेड करार कर दिया, फिर जीरो में इसका मर्ग कायम हुआ है दुर्ग कोतवाली में, फिर हमारे थाने तक पहुँचा है। उसके बाद अभी हम यहाँ आए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है कि ये जो है, ये जो आरोप है इसका पता या सिद्धि इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रॉपर इंटेरोगेशन के बाद और रिपोर्ट्स आने के बाद ही कहा जाता है। इनके जो हस्बैंड है, ये जवाहर नगर जो कि मोहन नगर थाने में आता है, वहाँ के निवासी हैं। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अभी जैसे कि अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी, उस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर विवेचना होगी, इंटेरोगेशन होंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आगे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।